हे चैंपियंस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में अपन कंटिन्यू करेंगे पॉलिटिकल साइंस की बुक 2 का चैप्टर 8 रीजनल एस्पिरेशंस। ये पार्ट 2 वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने जम्मू कश्मीर तक कर लिया था, जम्मू कश्मीर भी हो गया था। अब आज से अपन को शुरू करना है पंजाब टॉपिक, लेकिन उससे पहले एक अपना टॉपिक रह गया था द्रविड़ियन मूवमेंट, इसको कवर करेंगे। देन उसके बाद पंजाब से स्टार्ट करेंगे। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। द्रविड़ियन मूवमेंट। अब बेसिकली सबसे पहला क्वेश्चन कि द्रविड़ियन मूवमेंट कहाँ पर हुआ था। द्रविड़ियन मूवमेंट हुआ था तमिलनाडु के अंदर, मेनली साउथ के अंदर हुआ था, लेकिन जो मेन सेंटर माना जाए वो है तमिलनाडु। तो यहाँ पे एक स्लोगन गिवन है, द नॉर्थ थ्राइव्स इवन एज द साउथ डिकेस। मतलब एक बहुत ही फेमस स्लोगन है। तो अगर ये स्लोगन आता है एग्जाम के अंदर, तो अगर क्वेश्चन आता है कि ये किससे रिलेट करता है, तो ये द्रविड़ियन मूवमेंट से रिलेट करता है। स्टार्ट करते हैं द्रविड़ियन मूवमेंट को। This popular slogan sums up the dominant sentiments of one of the India's most effective regional movements, the Dravidian movement। ठीक है, दिन आगे चलते हैं। अब ये जो द्रविड़ियन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, तो किस डिमांड पर स्टार्ट हुआ था? जो कुछ सेक्शंस थे, सम सेक्शंस ऑफ दिस मूवमेंट, मतलब इस मूवमेंट के अंदर जो कुछ सेक्शंस थे वो क्या प्लान कर रहे थे, क्या प्ली कर रहे थे, क्या डिमांड कर रहे थे कि एक द्रविड़ा नेशन बनाना है, मतलब कि अपने लिए एक अलग ही नेशन बनाना है, इंडिपेंडेंट। द मूवमेंट डिड नॉट टेक टू आर्म्स। और सबसे बड़ी खासियत इस मूवमेंट की, इस मूवमेंट के अंदर जो आर्म्स है उसका यूज़ नहीं किया गया, मतलब कि बिल्कुल काम, बिल्कुल नॉन वायलेंस तरीके से इन्होंने ये मूवमेंट किया था, जिसमें पब्लिक डिबेट्स की इन्होंने। दैन दिस स्ट्रेटेजी पेड ऑफ एज द मूवमेंट एक्वायर्ड पॉलिटिकल पावर इन द स्टेट एंड ऑल्सो बिकेम इन्फ्लुएंशियल एट द नेशनल लेवल। सो बिल्कुल शांति से इन्होंने मूवमेंट किया। इससे क्या हुआ, इनको स्टेट के अंदर भी पॉलिटिकल पावर मिली, साथ में नेशनल लेवल में भी इनका जो दबदबा बना रहा। जब बात करते हैं द्रविड़ियन मूवमेंट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द्रविड़ कड़गम अंडर द लीडरशिप ऑफ तमिल सोशल रिफॉर्मर ई. वी. रामास्वामी पेरियार। सो जो द्रविड़ियन मूवमेंट था, तो वो कौन लेकर आया था उस मूवमेंट को? उस मूवमेंट को लेकर आया था द्रविड़ कड़गम। ये एक पार्टी बोल सकते हैं या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं, जिसके लीडर थे ई. वी. रामास्वामी पेरियार। बहुत इंपॉर्टेंट है नेम। ठीक है, देन बात करते हैं अभी जो ये ऑर्गेनाइजेशन थी, ये स्ट्रांगली अपोज करती थी ब्राह्मिन्स डोमिनेंस को। जैसे नॉर्थ के अंदर जो ब्राह्मिनिकल जो सोसाइटी है वो डोमिनेट करती है, तो उसी को ये अपोज करते थे। साथ में अफर्म्ड रीजनल प्राइड अगेंस्ट द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एंड कल्चरल डोमिनेशन ऑफ द नॉर्थ। और जो नॉर्थ का दबदबा है साउथ के ऊपर, उसको भी ये अपोज करते थे। देन बात करते हैं द डी के मीन्स ये द्रविड़ कड़गम स्प्लिट एंड द पॉलिटिकल लीगेसी ऑफ द मूवमेंट वाज ट्रांसफर्ड टू द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। सो डी के थी वो स्प्लिट हो गई, और उसकी लीगेसी थी वो किसके ऊपर ट्रांसफर हो गई? द्रविड़ मुनेत्र कड़गम DMK, एक बहुत ही बड़ी पार्टी बनकर आई। देन द DMK मेड इट्स एंट्री इनटू पॉलिटिक्स विद अ 3 प्रोलॉन्ग्ड एजिटेशन। सो जब DMK पॉलिटिक्स के अंदर आई, उसने अपने पॉलिटिक्स के अंदर कदम रखा, तो उसने 3 सबसे बड़ी क्या की एजिटेशंस की बिटवीन 1953 टू 1954। इसमें पहली एजिटेशन क्या थी देखते हैं। इट डिमांडेड द रिस्टोरेशन ऑफ द ओरिजिनल नेम ऑफ कालाकुडी रेलवे स्टेशन विच हैड बीन रीनेम्ड दलमाईपुरम आफ्टर एन इंडस्ट्रियल हाउस फ्रॉम द नॉर्थ। सो क्या हुआ था, एक कालाकुडी रेलवे स्टेशन था साउथ के अंदर, उसका नेम चेंज कर दिया था। नेम क्या रख दिया था? दलमाईपुरम। जो किसने किया था? एक इंडस्ट्रियलिस्ट था नॉर्थ का, उसने ऐसा कर दिया था। तो इन्होंने डिमांड किया, इन्होंने इसको अपोज किया कि आप जो नेम है, जो रेलवे स्टेशन का नेम है, उसको रिस्टोर कर दो, जो पुराने वाला नेम था वही वापस लेकर आओ। दिस डिमांड ब्रॉट आउट इट्स अपोजिशन टू द नॉर्थ इंडियन इकोनॉमिक एंड कल्चरल सिम्बल्स। दैन सेकेंड एजिटेशन की बात करते हैं। सेकेंड एजिटेशन क्या थी? तमिल कल्चरल हिस्ट्री ग्रेटर इम्पोर्टेंस इन स्कूल करिकुला। और जो स्कूल के अंदर एजुकेशन के तौर पे एक तरह से जो तमिल का जो हिस्ट्री रही है, तमिल के कल्चर है, उसको पढ़ाया जाए, एक ये सेकंड डिमांड थी। थर्ड एजुटेशन क्या थी इनकी? वॉज अगेंस्ट द क्राफ्ट एजुकेशन स्कीम ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट विच इट एलिग्ड वॉज लिंक्ड टू द ब्राह्मणिकल सोशल आउटलुक। और थर्ड एजुटेशन इनकी ये थी, ये अपोज कर रहे थे क्राफ्ट एजुकेशन स्कीम को। अभी क्राफ्ट एजुकेशन स्कीम क्या होती है? क्राफ्ट एजुकेशन स्कीम जो वहाँ की स्टेट थी उसने लागू किया था। इसके अंदर क्या था कि जो ब्राह्मणिकल सोशल आउटलुक है, जो ब्राह्मणिकल आइडियाज़ है, ब्राह्मणिकल जो सोसाइटी है, उसको लिंक किया गया था यहाँ पर। किसके अंदर? जो मूवमेंट हो रहा है तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पर उसको लिंक किया था। अब बेसिकली ये तो ब्राह्मणिकल आइडियाज़ को अपोज करते थे, तो इसलिए इन्होंने एजुटेशन स्टार्ट किया कि जो ये ब्राह्मणिकल सोसाइटी के आइडियाज़ आप लिंक कर रहे हो उसको हटा दो। और इन तीन एजुटेशन के अलावा एक बहुत ही बड़ा मूवमेंट किया था इन्होंने, वो था एंटी हिंदी एजुटेशन 1965 के अंदर। उसमें क्या था कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने की बातचीत चल रही थी इंडिया के अंदर, तो इन्होंने अपोज किया था कि क्या हिंदी क्या है, नॉर्थ के अंदर प्रिवेलेंट करती है, फेमस है, लेकिन साउथ के अंदर हिंदी कोई भी नहीं जानता है, तो इसको अपोज किया था। आप पढ़कर आए हैं ऑब्वियसली पिछले चैप्टर में, एंटी हिंदी आपको पता होगा। देन बात करते हैं सस्टेन पॉलिटिकल एजुटेशन बोट आउट दी DMK टू पावर इन दी असेंबली इलेक्शन ऑफ 1967। फिर असेंबली इलेक्शन होते हैं 1967 के अंदर, जहाँ पर DMK पावर के अंदर आ जाती है। सिंस द द्रविडियन पार्टीज हैव डोमिनेटेड द पॉलिटिक्स ऑफ तमिलनाडु। और तमिलनाडु के अंदर जो द्रविडियन पार्टीज़ है जैसे DMK हो गई और आगे पढ़ेंगे पार्टीज़, वही डोमिनेट करती आई है। जो अपनी नॉर्थ साइड की जो पार्टीज़ है ना, जैसे कांग्रेस BJP, उनका दबदबा यहाँ पर नहीं है। तो द DMK स्प्लिट आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स लीडर C. अन्नादुरै। और जो DMK थी वो भी स्प्लिट हो गई। पहले DK स्प्लिट हुई थी, अब DMK स्प्लिट हो गई। कब स्प्लिट हुई? जब एक लीडर थे C. अन्नादुरै जिनकी डेथ हो गई थी, उसके बाद DMK स्प्लिट हो गई। द इन्फ्लुएंस ऑफ द्रविडियन पार्टीज इन तमिल पॉलिटिक्स एक्चुअली इंक्रीज्ड। और फिर डेथ के बाद जो द्रविडियन पार्टीज़ का जो रोल था तमिलनाडु के अंदर वो इंक्रीज हो गया था। आफ्टर द स्प्लिट देयर वर टू पार्टीज़। अब जब DMK स्प्लिट हुई तो वो टू पार्टीज़ के अंदर स्प्लिट हुई। फर्स्ट रही DMK और सेकंड रही ऑल इंडिया अन्ना DNK, AIA DNK। तो फुल फॉर्म्स पूछी जा सकती है एग्ज़ाम के अंदर कि AIA DNK की फुल फॉर्म क्या है, और ये पूछ सकते हैं कि किसकी डेथ पर जो DMK स्प्लिट हुई थी। देन बात करते हैं बोथ दिस पार्टीज हैव डोमिनेटेड पॉलिटिक्स। तमिलनाडु की पॉलिटिक्स को उन्होंने डोमिनेट किया है। देन 1996 के अंदर वन ऑफ दिस पार्टीज हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ रूलिंग कोलिशन एट द सेंटर। और 1996 के अंदर जो सेंटर के अंदर जो पार्टी थी उन्होंने इसके साथ क्या किया था? कोलिजन किया था और फिर सेंटर की पार्टी बनाई थी। इन द 1990s मैनी अदर पार्टीज़ हैव एमर्ज। और 1990s के टाइम पीरियड पर बहुत सारी पार्टीज़ एमर्ज होकर आई थी, जिसमें कुछ एग्जांपल्स गिवन है जैसे कि MDMK, जिसकी फुल फॉर्म है मरुमलरची द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। अब फुल फॉर्म्स पूछी जा सकती है, फुल फॉर्म्स आपको लर्न करनी पड़ेगी। बट देन बात करते हैं PMK पटाली मक्कल कच्ची एंड DMDK देसिया मुरपोक्कू द्रविड़ कड़गम। तो ये हो गया अपना द्रविड़ मूवमेंट। अब बात करते हैं पंजाब। देन पंजाब पे चलते हैं। ये जम्मू कश्मीर का हमने कवर कर लिया था। देन इंसर्जेंसी हो गया सेपरेटिज्म। देन आते हैं पंजाब के ऊपर। अब बात करेंगे पंजाब की कि पंजाब के अंदर जो रीजनल एस्पिरेशन की डिमांड थी वो कैसे निकल कर आई। तो वही इसमें लिखा है 1980s के टाइम पर जो पंजाब है वहाँ पर रीजनल एस्पिरेशन की डिमांड उठकर आई। बेसिकली जो रीजनल एस्पिरेशन है ना, ये 1980s के अराउंड ही चल रहा है। द सोशल कॉम्पोजिशन ऑफ स्टेट चेंज्ड फर्स्ट विद पार्टीशन एंड लेटर ऑन आफ्टर द कार्विंग आउट ऑफ हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश। तो इस लाइन में क्या बताया कि पंजाब पहले क्या था, पार्टीशन से पहले बहुत बड़ा था। तो पार्टीशन के टाइम पर पंजाब के अंदर कुछ चेंजेस किए। क्या किए गए कि जो वेस्ट पंजाब है जो आज के टाइम पर जो पाकिस्तान के पास है उसको अलग कर दिया। फिर बाद में पार्टीशन के बाद में भी फिर हरियाणा जो पंजाब में से हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को भी अलग किया गया, बल्कि पंजाब के अंदर चेंजेस होते रहे हैं। देन बात करते हैं पंजाब हैड टू वेट टिल 1966 फॉर द क्रिएशन ऑफ पंजाबी स्पीकिंग स्टेट। अब जब ये हरियाणा अलग हुआ था और हिमाचल प्रदेश बेसिकली 1966 के अंदर हुए थे, जब पंजाब को अपने जो पंजाबी स्पीकिंग जो पीपल थे वो मिल गए थे, एक पंजाब स्टेट बन गया था। दैन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टी बोल सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं, अकाली दल विच वाज फॉर्म्ड इन 1920। और जो अकाली दल थी वो 1920 के अंदर फॉर्म हुई थी एज द पॉलिटिकल विंग ऑफ द सिक्स। और ये सिक्स के लिए थी। हैज़ लेड द मूवमेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पंजाबी सूबा। और इन्होंने मूवमेंट किया था जो पंजाब स्पीकिंग स्टेट बना उसके लिए मूवमेंट किया था कि हमें एक पंजाबी सूबा चाहिए। अब सूबा आप हिस्ट्री में पढ़कर आए हैं, सूबा बेसिकली एक स्टेट के लिए बोल सकते हैं, तो पंजाबी सूबा इनको चाहिए था। ठीक है, देन बात करते हैं पॉलिटिकल कंटेक्स्ट की। आफ्टर द रीऑर्गेनाइजेशन द अकालीज केम टू पावर इन 1967 एंड देन इन 1977। सो रीऑर्गेनाइजेशन के बाद मतलब जब पंजाब बन गया उसके बाद जो अकालीस थी, जो अकाली पार्टी थी वो 1967 के अंदर और 1977 के अंदर, ये दो ईयर के अंदर एक तरह से पावर के अंदर आई थी। ऑन बोथ दी ओकेशन इट वॉज अ कोलिजन गवर्नमेंट, और दोनों ही ईयर ये कोलिजन गवर्नमेंट थी। द अकालीज डिस्कवर्ड दैट डिस्पाइट द रीड्रॉइंग ऑफ द बाउंड्रीज देयर पॉलिटिकल पोजीशन रिमेन प्रिकैरियस, मतलब कि इन्होंने बताया कि दोनों ईयर ये क्या है कोलिजन के अंदर है, इट मीन्स इनकी ज़्यादा पावर नहीं है, तो ये बोलते हैं कि जो इनकी पॉलिटिकल पोजीशन है वो बहुत ही वीक है। तो ये कुछ तीन ये क्या करते हैं, इनकी प्रॉब्लम्स बोल सकते हैं तीन। फर्स्ट है देयर गवर्नमेंट वॉज डिसमिस्ड बाय द सेंटर मिडवे थ्रू इट्स टर्म, मतलब कि सेंटर से इनको कुछ प्रॉब्लम थी। क्या थी कि सेंटर ने जो इनकी गवर्नमेंट थी उसको डिसमिस कर दिया था मिडवे, मतलब कि जो 5 ईयर्स का टर्म होता है उसके बीच में ही सेंटर ने इंटरफेयर कर कर इनकी गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया था। इनकी पहली एक तरह से परेशानी बोल सकते हैं। सेकेंडली दे डिड नॉट एन्जॉय स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अमॉन्ग द हिंदूज, और सेकेंड क्या थी इनकी प्रॉब्लम कि जो हिंदूज थे इन्होंने अकालीज को सपोर्ट नहीं किया था। एंड थर्ड प्रॉब्लम क्या थी, द सिख कम्युनिटी लाइक ऑल अदर रिलीजियस कम्युनिटीज़ आर इंटरनली डिफ्रेंशिएटेड ऑन कास्ट एंड क्लास लाइन, और जैसे अलग अलग रिलीजन के अंदर कास्ट होती है बहुत सारी, वो भी एक तरह से बाइफर्गेटेड होता है। उसी तरह जो सिख कम्युनिटी थी उसके अंदर भी बहुत सारी कास्ट थी और क्लास लाइन्स थी। द कांग्रेस गोट मोर सपोर्ट अमॉन्ग द दलित्स वेदर हिंदू और सिख दैन द अकालीज, और कांग्रेस को ज़्यादा सपोर्ट मिला था चाहे दलित्स हो चाहे हिंदूज हो चाहे सिख हो एज कम्पेयर टू अकालीज। ठीक है, देन आगे चलते हैं। इट वॉज इन दिस कंटेक्स्ट दैट ड्यूरिंग द 1970s अ सेक्शन ऑफ अकालीज बिगेन टू डिमांड पॉलिटिकल ऑटोनॉमी। तो इन सब को देखते हुए 1970s के टाइम पीरियड जो अकालीज थे कौन, अकाली दल, उसने पॉलिटिकल ऑटोनॉमी के लिए डिमांड करना शुरू कर दिया था। देन आगे चलते हैं। दिस रिफ्लेक्टेड इन अ रिजोल्यूशन पास्ड एट देयर कॉन्फ्रेंस एट आनंदपुर साहिब इन 1973, और ये पॉलिटिकल ऑटोनॉमी की डिमांड इन्होंने कब की थी, एक रिजोल्यूशन पास हुआ था कहाँ पर, आनंदपुर साहिब इन 1973, ईयर याद रख लेना 1973 के अंदर। द आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन असर्टेड रीजनल ऑटोनॉमी एंड वांटेड टू रीडिफाइन सेंटर स्टेट रिलेशनशिप इन द कंट्री। अब जो आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन था इसके अंदर रीजनल ऑटोनॉमी की डिमांड की गई थी, साथ में जो सेंटर और स्टेट का रिलेशनशिप चल रहा था उसको भी सुधारने की बात चल रही थी। द रिजोल्यूशन ऑल्सो स्पोक ऑफ द एस्पिरेशन ऑफ द सिख कॉम कम्युनिटी और नेशन, और साथ में जो ये रिजोल्यूशन था आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन, ये एक तरह से जो सिख कम्युनिटी है सिख नेशन है उसके एस्पिरेशंस की बात इसमें चल रही थी। सिख कॉम मतलब कि कम्युनिटी और नेशन। एंड डिक्लेयर्ड इट्स गोल एज अटेनिंग द बोलबाला डोमिनेंस और हेजिमनी, और साथ ही में ये एक हेजिमनी एक डोमिनेंस इनको चाहिए था अपने ही स्टेट के अंदर। द रिजोल्यूशन वॉज अ प्ली फॉर स्ट्रेंथनिंग फेडरलिज्म बट इट कुड ऑल्सो बी इंटरप्रिटेड एज अ प्ली फॉर अ सेपरेट सिख नेशन। सो रिजोल्यूशन के अंदर एक डिमांड की गई क्या कि जो फेडरलिज्म है उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए। फेडरलिज्म आपको पता होगा जहाँ पर पावर डिवाइडेड रहती है अलग अलग लेवल्स पर, और साथ ही में एक तरह से कुछ इंटरप्रिटेशंस थी। कुछ बोलते थे कि फेडरलिज्म को स्ट्रॉन्ग किया जाए, और कुछ की डिमांड्स ये थी कि एक सेपरेट सिख नेशन दिया जाए। ठीक है, ये हो गया रिजोल्यूशन के बारे में। देन आगे नेक्स्ट पैराग्राफ। अ फ्यू ईयर्स लेटर आफ्टर द अकाली गवर्नमेंट हैज़ बीन डिसमिस्ड इन 1980 the Akali Dal launched a movement on the question of the distribution of water between Punjab and its neighboring states. So जब अकाली गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया सेंटर ने, कब, 1980 के अंदर, ईयर याद रखना है आपको। तो फिर उसके बाद क्या किया अकाली दल ने, क्या किया, जो वाटर की जो एक तरह से प्रॉब्लम रहती है स्टेट्स के अंदर, फाइट होती रहती है वाटर के रिगार्डिंग, उसके ऊपर एक क्वेश्चन उठाया कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर है वो कैसा रहेगा पंजाब के अंदर, साथ में उसकी जो नेबरिंग कंट्रीज़ है उनके बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर है वो कैसा रहेगा। द मोर एक्सट्रीम एलिमेंट्स स्टार्टेड एडवोकेटिंग सेसेशन फ्रॉम इंडिया एंड द क्रिएशन ऑफ खालिस्तान, और जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट थिंकिंग के थे वो क्या चाहते थे कि हमें सेसेशन कर दो इंडिया से, मतलब कि सेपरेट कर दो और एक हमारा एक एरिया बना दो खालिस्तान। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब बात करते हैं साइकिल ऑफ वायलेंस की, यहाँ पर वायलेंस हुआ कैसे। देन बात करते हैं, अब इसमें पढ़ेंगे अपन कि इंदिरा गांधी की डेथ भी इसके अंदर ही हुई थी इसकी वजह से। सोन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट पास फ्रॉम द मॉडरेट अकालीज टू द एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स एंड टुक द फॉर्म ऑफ आर्म्ड इंसर्जेंसी। अब जब जो लीडरशिप थी वो पहले मॉडरेट अकालीज के पास थी, मॉडरेट मतलब कि ज़्यादा वायलेंस नहीं करते थे, आराम से समझौते करते थे, लेकिन फिर बाद में लीडरशिप ट्रांसफ़र होकर किसके पास आ गई, एक्सट्रीमिस्ट के पास। मतलब एक्सट्रीम मतलब बहुत ही ज़्यादा, अब किस में बहुत ज़्यादा, वायलेंस के अंदर बहुत ज़्यादा ये बिलीव करते थे। इन्होंने क्या किया, आर्म्ड इंसर्जेंसी स्टार्ट कर दिया, इन्होंने वायलेंस करना स्टार्ट कर दिया। The militants made their headquarters inside the Sikh holy shrine, the Golden Temple in Amritsar, and turned it into an armed fortress. और जो ये militants थे, जो ये extremists थे, जिन्होंने insurgency start की, इन्होंने अपना headquarter बनाया कहाँ पर? Golden Temple के अंदर, अमृतसर के अंदर। आपको पता है Golden Temple कैसा है? तो वहीं पर जो इनकी जो होली श्राइन थी एक, वहाँ पर इन्होंने एक तरह से आर्म्ड फोर्ट्रेस बना लिया, अपना ठिकाना बना लिया। फिर क्या था, जून 1984 के अंदर गवर्नमेंट ने, जो इंडिया की गवर्नमेंट थी, उसने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया, ऑपरेशन ब्लू स्टार। ईयर लर्न कर लेना, जून 1984 के अंदर। और कौन सा ऑपरेशन था? ऑपरेशन ब्लू स्टार। कोड नेम था फॉर आर्मी एक्शन इन द गोल्डन टेम्पल। गोल्डन टेम्पल के अंदर जो मिलिटेंट्स थे उनको भगाने के लिए ये ऑपरेशन स्टार्ट किया था। इन दिस ऑपरेशन द गवर्नमेंट कुड सक्सेसफुली फ्लश आउट द मिलिटेंट्स। अब इस ऑपरेशन के अंदर जो गवर्नमेंट थी वो सक्सेस हो गई थी, उसने मिलिटेंट्स को बाहर निकाल दिया था। लेकिन साथ में अगर कोई होली श्राइन के अंदर कोई लड़ाई हो रही है तो ऑब्वियसली बात है उस श्राइन को, उस गोल्डन टेम्पल को या फिर बोले तो डैमेज हुआ था। बट इट ऑल्सो डैमेज द हिस्टोरिक टेम्पल एंड डीपली हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ द सिख। तो फिर क्या लड़ाई हुई तो फिर जो टेम्पल था वो भी डैमेज हुआ, और इससे क्या हुआ कि जो सिक्स के जो सेंटिमेंट्स थे उनके ऊपर ज़्यादा ही थोड़ा असर पड़ा। A large proportion of Sikhs in India abroad saw the military operation as an attack on their faith, and this gave further impetus to militant and extremist group. अब गवर्नमेंट ने तो एक तरह से उनकी तो हेल्प की कि जो मिलिटेंट्स थे उनको बाहर निकाला, उनको हराया, लेकिन जो एब्रोड के अंदर, जो इंडिया के अंदर जो सिक्स थे वो इसको क्या मान रहे थे कि इन्होंने तो हमारे साथ, हमारे जो रिलीजन है उसके ऊपर अटैक किया है। तो इससे क्या हुआ, जो मिलिटेंट और जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स थे वो और ज़्यादा बढ़ गए। कम होना चाहिए था लेकिन और ज़्यादा बढ़ गए, क्योंकि उनकी एक तरह से होली श्राइन को भी डैमेज कर दिया, साथ में उनके फेथ को भी, उनके फेथ के ऊपर भी अटैक कर दिया। इससे क्या हुआ, वो और भी ज़्यादा भड़क गए। देन बात करते हैं, अब एक बार एक छोटी सी क्लिप है 30 सेकंड्स की, एक बार आप उसको देख लीजिए कि कैसे जो इंसर्जेंसी हुई थी वो गोल्डन टेम्पल के अंदर। Sikh elders say they'll cooperate with police. So, अब बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी was assassinated on 31 October 1984 outside her residence by her bodyguards. So, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जिनकी डेथ हो गई 31 October 1984. अब डेथ कैसे हुई? Both the assassins were Sikhs and wanted to take revenge for Operation Blue Star. और जिन दो बंदों ने इंदिरा गांधी को मारा था वो सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते थे और वो रिवेंज लेना चाहते थे ऑपरेशन ब्लू स्टार की वजह से। वाइल द एंटायर कंट्री वाज शॉक्ड बाय दिस डेवलपमेंट इन दिल्ली एंड इन मेनी पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया वायलेंस ब्रोक आउट अगेंस्ट द सिख कम्युनिटी। अब क्या हुआ, पूरी कंट्री शॉक के अंदर थी क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो गई थी। तो इससे क्या हुआ, एक तरह से जो जितने भी अलग कम्युनिटीज़ थी वो सब अगेंस्ट हो गई थी सिख कम्युनिटी के, क्योंकि सिख कम्युनिटी के लोगों ने इंदिरा गांधी को मारा, इसलिए जो अलग जो अदर कम्युनिटीज़ थी वो इसके खिलाफ हो गई थी और उन्होंने वॉयलेंस स्टार्ट कर दिया था अगेंस्ट द सिख कम्युनिटी। द वॉयलेंस अगेंस्ट द सिख कंटिन्यूड ऑलमोस्ट अ वीक, और एक वीक तक जो इस सिख के साथ जो वॉयलेंस हुआ, उनके साथ अत्याचार हुआ, वो चलता रहा। मोर देन 2000 सिख्स वर किल्ड, 2000 से ज़्यादा जो सिक्स थे उनकी डेथ हो गई। एंड हंड्रेड्स ऑफ सिक्स वर किल्ड इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री स्पेशली इन प्लेसेस लाइक कानपुर, बोकारो एंड चास। और इन तीन जगह पर बहुत ज़्यादा एक तरह से वॉयलेंस हुआ, बहुत ज़्यादा सिक्स की डेथ हुई। कौन कौन से तीन एरियाज थे? कानपुर, बोकारो एंड चास। ठीक है, जनाब चलते हैं। मैंने सिक्स फैमिलीज लॉस्ट देयर मेल मेम्बर्स, ठीक है ये हो गया। वॉट हर्ट दी सिक्स मोस्ट वॉज दैट द गवर्नमेंट टुक a long time in restoring normalcy and that the perpetrators of this violence were not effectively punished. और जो सिक्स थे उनको लगा कि जो गवर्नमेंट है उसने बहुत ज़्यादा टाइम लगाया है जो सिचुएशन को नॉर्मल करने में, साथ में जिन्होंने ये सब वायलेंस स्टार्ट किया, जो भी प्रीपेटेटर्स थे जिन्होंने अत्याचार किया, उनके खिलाफ कोई भी पनिशमेंट, कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। देन 20 ईयर्स लेटर, 20 साल बाद, मतलब कि जो सिख वायलेंस था, जो सिख के अगेंस्ट जो वायलेंस हुआ, उसके बाद 20 साल बाद प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह इन 2005 पार्लियामेंट के अंदर इन्होंने एक स्पीच दी जिसमें इन्होंने माफ़ी मांगी कि जो भी सिख के साथ जो अत्याचार हुए उनके लिए उन्होंने माफ़ी मांगी। मतलब उस टाइम पर तो क्या था, गवर्नमेंट ने ज़्यादा इतने स्टेप्स नहीं लिए थे सिचुएशन को नॉर्मल करने के लिए। देन आगे चलते हैं रोड टू पीस, कि अब पीस कैसे आया, मतलब वायलेंस चल रहा था तो अब पीस के अंदर कैसे कन्वर्ट हुआ। आफ्टर कमिंग टू पावर फॉलोइंग द इलेक्शन इन 1984, द न्यू प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी इनिशिएटेड अ डायलॉग विद मॉडरेट अकाली लीडर्स। सो जब इंदिरा गांधी की डेथ हो गई 1984 के अंदर नए प्राइम मिनिस्टर बनकर आए, जो उनके बेटे थे राजीव गांधी, वो प्राइम मिनिस्टर बन के आए। उन्होंने मीटिंग्स स्टार्ट कर दी और साथ में जो नेगोशिएशंस करनी चाहिए थी वो उन्होंने स्टार्ट कर दी विद अकाली लीडर्स। वो भी कौन से? मॉडरेट अकाली लीडर्स। ये लर्न करना, मॉडरेट, मॉडरेट क्यों? अगर एक्सट्रीमिस्ट तो क्या है, ज़्यादा ही थोड़ा बिलीव रखते हैं, तो मॉडरेट से इन्होंने बातचीत करना स्टार्ट कर दिया। इन जुलाई 1985 ही रीच्ड एन एग्रीमेंट विद हरचंद सिंह लोंगोवाल, दैन द प्रेसिडेंट ऑफ द अकाली दल। सो जुलाई 1985 के अंदर इनका एग्रीमेंट साइन हो गया। किस किस के बीच में हुआ था? राजीव गांधी के बीच में और हरचंद सिंह लोंगोवाल, बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, जो कि अकाली दल का प्रेसिडेंट था उस टाइम पर। ठीक है, दिस एग्रीमेंट वॉज नॉन एज, जो ये एग्रीमेंट साइन हुआ उसको क्या बोला गया? राजीव गांधी लोंगोवाल अकॉर्ड और दी पंजाब अकॉर्ड। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें कुछ शर्तें थी, जो ये एग्रीमेंट्स थी उसमें क्या क्या शर्तें थी? जो चंडीगढ़ है, जो चंडीगढ़ का जो एरिया है वो पंजाब को दिया जाएगा, साथ में जो बॉर्डर डिस्प्यूट है पंजाब और हरियाणा के बीच में उसको भी रिजॉल्व किया जाएगा। एंड टू डिसाइड द शेयरिंग ऑफ रवि बीज रिवर वाटर अमोंग पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान। और जो वाटर के ऊपर जो लड़ाई चल रही थी स्टेट्स के बीच में उसको भी रिजॉल्व करेंगे। द एग्रीमेंट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर कंपनसेशन, साथ में कंपनसेशन भी दिया गया, जिनके साथ पहले अत्याचार हुआ था उनको कंपनसेशन दिया गया। साथ में उस टाइम पर आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट पंजाब के अंदर लागू था, उसको भी हटा दिया गया। कौन सा ये एक्ट लागू था? आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट। ठीक है, दिन आगे चलते हैं। अब हाउएवर पीस डिड नॉट कम इजीली और इमीडिएटली। अब इन सब के बाद अचानक एक तरह से पीस नहीं आई, एक कम से कम 10 साल लग गए इस पीस को आने में। देन बात करते हैं पॉलिटिकली इट लेड टू द फ्रेगमेंटेशन ऑफ द अकाली दल। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड टू इम्पोज प्रेसिडेंट्स रूल इन द स्टेट एंड द नॉर्मल इलेक्टोरल एंड द पॉलिटिकल प्रोसेस वाज सस्पेंडेड। और जब ये मिलिटेंसी हुई थी, जब सिक्स के अगेंस्ट वायलेंस हुआ था, तो उस टाइम पर प्रेसिडेंट रूल लगाना पड़ा था स्टेट के अंदर, और साथ में जो नॉर्मल पॉलिटिकल प्रोसेस है वो सब क्या हो गए थे? सस्पेंड हो गए थे। अब पूरा प्रेसिडेंट संभाल रहा था। वैन इलेक्शंस वर हेल्ड इन पंजाब इन 1992, ओनली 24% ऑफ इलेक्टर्स टर्नड आउट टू वोट। और जब पंजाब के अंदर इलेक्शंस हुए 1992 के अंदर, तो सिर्फ 24% लोगों ने ही वोट दिया था उस टाइम पर। तो देख सकते हैं मतलब उस टाइम पर कितना बुरा माहौल चल रहा था, डरावना माहौल। बट द लॉसेज इनकर्ड बाई द पीपल ऑफ पंजाब, सिक्स एंड हिंदूज अलाइक, वर इनॉर्मस। पीस रिटर्न टू पंजाब बाई द मिडल ऑफ 1990s। और जब पीस आई, जो शांति आई पंजाब के अंदर, वो कब आई? 1990s के टाइम पीरियड पर। द अलायंस ऑफ अकाली दल, बडाल एंड द बीजेपी स्कोर्ड अ मेजर विक्ट्री इन 1997 इन द फर्स्ट नॉर्मल इलेक्शन इन द स्टेट इन द पोस्ट मिलिटेंसी। और जब 1997 के अंदर जो इलेक्शंस हुए उसके अंदर अकाली दल और बीजेपी, इन दोनों पार्टीज़ की अलायंस बनी और ये पावर के अंदर आई। द स्टेट इज वंस अगेन प्री ऑक्यूपाइड विद क्वेश्चन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल चेंज। तो पहले तो क्या डिमांड थी इनकी? ऑटोनॉमी चाहिए इनको और इनको पावर चाहिए। लेकिन अब इनके जो डिमांड थी वो क्या थी कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल चेंजेस है वो कैसे किया जाए, मतलब एक तरह से इकोनॉमी पर अभी ध्यान देना लग गए थे। देन अब आता है अपना टॉपिक द नॉर्थ ईस्ट। तो इस जो टॉपिक है नॉर्थ ईस्ट, इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो नॉर्थ ईस्ट को करने के बजाय ये तो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एक छोटा सा टॉपिक है, कौन सा टॉपिक है? एक ये रहा, सिक्किम मर्जर, इसको कवर कर लेते हैं पहले, सिक्किम मर्जर को। जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसके अंदर अपन एक तो नॉर्थ ईस्ट का कवर कर लेंगे, साथ में जो गोवा लिबरेशन एक टॉपिक मिलेगा उसको कवर कर लेंगे। तो अभी सिक्किम मर्जर को देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सिक्किम्स मर्जर। जो सिक्किम है वो अपने इंडिया के अंदर कैसे मर्ज हुआ। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस सिक्किम वॉज अ प्रोटेक्टोरेट ऑफ इंडिया। It meant that while it was not a part of India, it was also not a fully sovereign country. So क्या था, सिक्किम का एक मिडिल पोजीशन के अंदर था, मतलब कि ना ही तो ये इंडिया के अंदर था, ना ही ये फुल इंडिपेंडेंट कंट्री थी, ना ही फुल सोवरेन कंट्री थी, मतलब कि खुद के डिसीजंस भी फुली खुद नहीं लेते थे, साथ में पूरा ये इंडिया के अंदर भी नहीं था, मतलब एक बीच भी सिचुएशन में था। तो क्या था, जो सिक्किम का जो डिफेंस और जो फॉरेन रिलेशन थे वो कौन मैनेज करता था? इंडिया। और जो अंदर के जो इंटरनल मैटर्स हो गए वो सिक्किम खुद मैनेज करता था। वाइल द पावर ऑफ इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन वॉज विद द चोगयाल सिक्किम मोनार्च, और जो सिक्किम का मोनार्च था चोगयाल, जो वो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन को खुद कवर करता था, और जो डिफेंस हो गया और फॉरेन रिलेशन वो इंडिया कवर करता था। दिस अरेंजमेंट वेन इन डिफिकल्ट वॉज एनेबल टू डील विद द डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस, और जब वहाँ पर डेमोक्रेटिक एस्पिरेशन निकल कर आए, खुद अपने जो अलग अलग लोग थे उनकी डिमांड्स निकल कर आई, तो जो ये चोगयाल था सिक्किम मोनार्च वो इनको फुलफिल नहीं कर सका, इसको बहुत ज़्यादा परेशानी आई। एन ओवरवेलमिंग मेजोरिटी ऑफ सिक्किम्स पॉपुलेशन वॉज नेपाली, और जो सिक्किम पॉपुलेशन थी वो मेजोरिटी के अंदर कौन सी थी? नेपाली थी। वहाँ की मेजोरिटी कौन लोग थे? नेपाली। बट द चोगयाल वॉज लेप्चा भुटिया कम्युनिटी, और जो चोगयाल था वो कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करता था? लेप्चा भुटिया कम्युनिटी, जो कि माइनॉरिटी के अंदर थी। द एंटी चोगयाल लीडर्स ऑफ बोथ द कम्युनिटीज सॉट एंड गॉट सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और जो जितने भी एंटी चोगयाल लीडर्स थे, मतलब कि चोगयाल के अलावा जितने भी लीडर्स थे उन सबको इंडिया सपोर्ट कर रहा था। द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन टू सिक्किम असेंबली इन 1974 वर स्वेप्ट बाय सिक्किम कांग्रेस, और जब सिक्किम के अंदर फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए 1974 के अंदर, तो वहाँ की जो सिक्किम कांग्रेस थी वो पावर के अंदर आ गई। दैन इन अप्रैल 1975 पास्ड अ रिजोल्यूशन आस्किंग फॉर फुल इंटीग्रेशन विद इंडिया, और फिर उसने क्या किया, अप्रैल 1975 के अंदर एक रिजोल्यूशन पास किया जिसके अंदर वो इंडिया का पार्ट बनना चाहते थे। तो फिर क्या था, इंडिया ने फटाफट जो उनकी रिक्वेस्ट थी उसको एक्सेप्ट कर लिया, एंड सिक्किम बिकेम दी 22nd स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन, और जो सिक्किम था वो 22nd स्टेट बन गया इंडियन यूनियन का। दैन जो वहाँ का मोनार्क था चोगयाल वो इससे नाराज़ हो गया कि बिना मेरी परमिशन के ये तो इंडिया के अंदर इंटीग्रेट हो गए। तो उसने क्या कहा कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने एक षड्यंत्र रचा है, उसने अपने फोर्सेस के थ्रू जो सिक्किम है उसको अपने अंदर ले लिया। सो यहाँ पर कंप्लीट होती है आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर आपको कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई टॉपिक होगा तो मैं उस पर अलग से वीडियो बनाकर ज़रूर लेकर आऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे अमेजिंग वीडियोस आपको फ्यूचर में मिलती रहेगी। स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।